हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के अनेक रूप माने जाते हैं। कुछ भक्त उन्हें माता काली के रूप में पूजते हैं, तो कुछ उन्हें माता चामुंडा के रूप में, कुछ उन्हें माता चिंतपूर्णी के रूप में पूजते हैं, तो कुछ उन्हें माता वैष्णो देवी के रूप में। लेकिन उन्हें किसी भी रूप में पूजा जाए, भक्तों की वह पूजा सीधा माता पार्वती तक ही पहुँचती है। इसी तरह हिंदू धार्मिक पुराणों में माता के 10 महाविद्याओं के स्वरूप का भी वर्णन है, जो भारत के प्राचीन मंदिरों में अलग अलग स्थान पर सदियों से विराजमान है। आज हम निकले हैं एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर की यात्रा पर, जो माता पार्वती के 10 महाविद्याओं में से उनके 8वें स्वरूप को समर्पित है। आज हम निकले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी की मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियों के बीच स्थित माता बगलामुखी के प्राचीन और सिद्धपीठ की यात्रा पर, जहां पर प्रतिदिन माता बगलामुखी की कृपा और अपनी मनोकामनाओं को पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध जीतने के लिए माता बगलामुखी की आराधना की थी। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि माता बगलामुखी धाम का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है, इसी कारण से माता बगलामुखी को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। पूरा मंदिर प्रांगण पीले रंग में रंगा हुआ है। माता के प्रसाद से लेकर माता का श्रृंगार, यहाँ हर एक वस्तु का रंग पीला है। पीले रंग में रंगा मंदिर का बाहरी हिस्सा देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। आधुनिकीकरण के माध्यम से मंदिर प्रांगण के विस्तार के साथ साथ उसका सौंदर्यकरण भी किया गया है। सजा के तेरा भवन रंगीला, उसमें तुझको बिठा दिया। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर एक और राम भक्त हनुमान जी और दूसरी ओर बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं। माता बगलामुखी की मान्यता इतनी प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े नेता एवं अभिनेता अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता बगलामुखी मंदिर में हवन का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 136 प्रकार के हवन होते हैं। मान्यताओं के अनुसार माता बगलामुखी मंदिर में जो कोई भक्त अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ करवाता है, माता बगलामुखी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। मान्यता है कि सच्चे मन से हवन कराने पर माता 36 दिनों के अंदर ही हवन का फल दे देती है। घरेलू कलह, अदालती परेशानियों, जमीन जायदाद की समस्या और ग्रहों को शांत करने के लिए भक्त माता बगलामुखी मंदिर में यज्ञ करवाने हेतु आते हैं। इसीलिए यहाँ यज्ञ करवाने हेतु भक्तों की भीड़ होना स्वाभाविक माना जाता है। माता बगलामुखी मंदिर में शत्रु नाशिनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते रहते हैं। वैसे तो समस्या के अनुसार हवन सामग्री का प्रयोग हवन में किया जाता है, लेकिन सामान्यतः माता बगलामुखी के हवन में लाल मिर्च और पीली वस्तुएं जैसे हल्दी और पीले फूलों का होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए अक्सर भक्तों को हवन में पीली चुनरी ओढ़े और साथ ही हवन में आहुति देने के लिए हाथ में पीले फूल लेकर अपनी अरदास लगाते हुए भक्तों को आप देख सकते हैं। भक्त अपने मन में बड़ी ही आस लेकर पूर्ण श्रद्धा के साथ हवन के दौरान माता से मन ही मन अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गुहार लगाते हैं, और माता भी उनकी इस पुकार को सुनकर उनकी सारी विपदाओं को हर लेती है। माता बगलामुखी के साथ साथ मंदिर में श्री तारा, श्री त्रिपुर भैरवी, श्री धूमावती, श्री कमला माता सरस्वती, श्री भुवनेश्वरी, श्री शौंडशी, श्री छिन्नमस्ता और अन्य स्वरूपों की प्रतिमाएं भी स्थापित है। मंदिर प्रांगण में माता बगलामुखी के चरण पादुका भी स्थापित है, जिसके दर्शन भक्त विशेष रूप से करते हैं।
1905 में हिमाचल में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसके कारण कई इमारतें ढह गई। लेकिन माना जाता है कि माता बगलामुखी धाम पर कोई भी आंच नहीं आई, केवल माता की चरण पादुका वाला स्थान थोड़ा बहुत हिल गया था। मंदिर का मुख्य द्वार अधिक बड़ा नहीं है। मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करने पर भक्त मंदिर के गर्भगृह में पहुंच सकते हैं, जहां माता बगलामुखी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन भक्त कर सकते हैं, जो कि सदैव पीले वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता बगलामुखी धाम में माता स्वयंभू प्रकट हुई थी। यही कारण है कि माता की प्रतिमा एकदम जीवंत होने का एहसास कराती है। माता के साथ साथ एक और बाबा भैरवनाथ के स्वरूप में भगवान शिव और दूसरी ओर गणेश जी विराजमान हैं। माता का स्वरूप इतना तेजस्वी प्रतीत होता है मानो वे सजीव रूप से भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान हों। माता की प्रतिमा को देखकर ऐसा आभास होता है मानो माता अभी आपसे स्वयं ही बोल पड़ेंगी। बगलामुखी धाम में ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर महादेव को समर्पित प्राचीन बनखंडी महादेव मंदिर स्थापित है। बनखंडी महादेव मंदिर की उपस्थिति भी माता बगलामुखी धाम में स्वयं माता बगलामुखी धाम से समय जितनी प्राचीन ही मानी जाती है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जहां महादेव एक बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान है, माना जाता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग के दर्शन करता है, महादेव उससे प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। शिवलिंग के साथ साथ ही भक्तों की मनोकामनाओं की सुनने और सीधे भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए बाहर की ओर शिव शंकर की प्रिय सवारी नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है। भक्त अपने हृदय में अपार आस और माता के प्रति समर्पण लेकर मंदिर में आते हैं, और आते ही मंदिर प्रांगण में लगी घंटियों को बजाकर माता तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का संदेश पहुंचा देते हैं। मान्यता है कि मंदिर में कई वर्षों से एक बड़े पात्र में माता बगलामुखी की पवित्र और अखंड ज्योत जल रही है। इस अखंड ज्योत को मंदिर परिसर में एक संरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया है। मंदिर के आसपास की वादियाँ एक मनोरम दृश्य का चित्रण करती हैं, जो भक्तों को शांति का अनुसरण भी कराती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ने मंदिर को अपनी गोद में संरक्षित कर रखा है। मंदिर परिसर में भक्तों की सेवा के लिए माता के प्रसाद के रूप में लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जहां कई कतारों में वे एक साथ बैठकर माता के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि माता रानी को पीले रंग से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए माता बगलामुखी धाम में लंगर के भोजन में भी भक्तों को चावल के साथ केवल पीली सब्जियां जैसे कड़ी या फिर पीली दाल ही परोसी जाती है, और भक्त भी प्रेम पूर्वक लंगर के प्रसाद का सेवन करते हैं। माता को चढ़ावा चढ़ाने की वस्तुओं से लेकर हवन सामग्री तक की सारी चीजें मंदिर प्रांगण के आसपास की दुकानों में भक्तों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। मंदिर प्रांगण में एक ऊंचे खंभे के ऊपरी छोर से माता के पीले रंग के प्रतीक का झंडा हमेशा लहराता रहता है, जिसके दर्शन भक्तों को बहुत दूर से ही हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो लहराता हुआ झंडा इस बात की गवाही दे रहा हो कि माता का स्थान सबसे ऊंचा है
और आसपास का सारा परिवेश माता के संरक्षण में सुरक्षित है। मंदिर में अक्सर आपको साधक दिख जाएंगे जो माता बगलामुखी के नाम की माला जपने में लीन रहते हैं। माता बगलामुखी को सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की साधना करते हैं, माता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता है कि माता बगलामुखी का पूजन तथा हवन रात्रि के दौरान करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। इसलिए माता को समर्पित पूजन और हवन का आयोजन रात्रि में भी होता है। माता की सेवा में नियुक्त पुजारी गण भी माता बगलामुखी धाम से जुड़ा इतिहास और माता की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह इस सिद्धपीठ पर भक्तों के कष्टों का निवारण माता बगलामुखी करती हैं और कैसे कोई भी भक्त माता बगलामुखी के दरबार से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। भगवती जो बोला गया है वो महादेवी को पीतांबरा बोला गया है। इससे महत्वपूर्ण है, पीतांबरा का मीनिंग ये हुआ पीला अंबर, पीली आवा, पीले ओस से जो युक्त है उसको पीतांबरा बोला गया है। तो पीतांबर यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु को प्रिय है, एक ग्रहों में बृहस्पति को प्रिय है। तो भगवती जो है पीला अंबर, पीली कांति, पीली आवा मंडल से युक्त है, इसलिए भगवती बगलामुखी देवी को पीतांबरा बोलते हैं। ये भगवान विष्णु ने महादेवी की साधना की, महादेवी का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ वो हल्दी से भरा हुआ सरोवर था, वहाँ से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो वहाँ से जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो महादेवी एकदम पीले रंग से सुशोभित थी, तो इसलिए महादेवी को पीतांबरा बोलते हैं। और ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवती बगलामुखी देवी गुरु ग्रह के अकॉर्डिंग भी गुरु ग्रह के जो भी दोष हैं उसका निवारण करती है और वैसे भी गुरु के समान सुख प्रदान करती है। इसलिए पीले रंग का अपने आप में विशेष महत्व है। पीले रंग का मतलब हुआ स्वर्ण, पीले रंग का मतलब हुआ आपका अनाज। जब किसी किसान के खेत में जब अनाज फसल आती है, जब परिपूर्ण रूप से वो परिपक्व होकर खिल जाती है तो हम बोलते हैं ये स्वर्ण में यह अनाज है, तो उसके जीवन में खुशहाली आती है। और जब कोई व्यक्ति स्वर्ण खरीदता है तो उसके जीवन में एक खुशहाली आ जाती है कि हमने सोना खरीदा, कुछ ना कोई खुशी का मौका होगा तभी खरीदेगा ना। उसी प्रकार पीला रंग एक खुशी वाला, एक जीवन में नवीन उत्तेजना बनने वाला एक रंग है जिससे व्यक्ति के जीवन में नवीन क्रांति आ जाती है। और साथ ही ये पुजारीगण प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा के साथ माता बगलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं, जिनके सानिध्य में भक्तों को भी माता की आरती के दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। माता बगलामुखी एक प्राचीन सिद्धपीठ है जिसकी महिमा का वखान वहां मौजूद भक्तों की भीड़ स्वयं ही कर देती है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और यही कामना करते हैं कि उनके जीवन के दुखों की छींटों को माता बगलामुखी खुशियों की बारिश में बदल देंगी। माता भी अपने भक्तों का प्रेम पाकर प्रसन्न होकर उनके सारे संकटों को हर लेती हैं और अपने आशीर्वाद का संरक्षण सदैव उन पर बनाए रखती हैं।